क्या हाल चाल है आप सभी को, कैसे हो आप लोग। आज का जर्नी है नई दिल्ली टू पटना और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी हम हैं हरियाणा बद्र बॉर्डर के पास और यहां से मेट्रो पकड़ के दिल्ली चलेंगे, फिर आपको दिल्ली में मिलते हैं। तो फाइनली है जो दिल्ली है, जो सही टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो मेट्रो में काफ़ी टाइम लगा दिया आज बद्रपुर से न्यू दिल्ली आने में। हमें तो लग रहा था कि ये मेरा ट्रेन है जो छूट जाएगा, लेकिन टाइम पे है जो 20 मिनट पहले पहुंच गया। और जो मेरा ट्रेन है आपको फिर से बता दूँ 02394 न्यू दिल्ली पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो उसका जो टाइमिंग है न्यू दिल्ली से 5:30 पे यहाँ से खुलने का टाइम है। तो हमें लग रहा था कि आज छूट जाएगा, लेकिन चलिए अभी है जो न्यू दिल्ली पहुँच गए और अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16। तो वो यहाँ से चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर और एंट्री होने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि उतना भीड़ है नहीं। अपना लगेज है जो यहाँ पे, उसके बाद फिर आपसे। तो प्लेटफॉर्म पे आते ही मेरा जो बोगी नंबर है स्लीपर S3, तो जैसे ही एंट्री किए तो सामने S2 था और थोड़ा सा आगे S3 था, तो ज़्यादा हमें चलना नहीं पड़ा और अपने बोगी के पास आ गए हैं जो अपने कोच है S3 और थोड़ा सीट है 55 विंडो साइड। तो ये रहा मेरा सीट नंबर और विंडो साइड, तो यहाँ पे है जब आ गए हैं और अभी भी 10 मिनट है यहाँ से डिपार्चर होने का टाइम, 10 मिनट और वेट करेंगे उसका। आज का लक सही था क्योंकि रात में ही टिकट काटे थे तो वेटिंग किया था 50 वेटिंग था, फिर है जो 11 बजे रात में वो 40 वेटिंग पे आ गया। दिन में भी आज 37-38 पर था, लेकिन जब 1 बजे जब इसका शेड्यूल तैयार हुआ तो कंफर्म हो गया, तो मुझे लगा कि जब वेटिंग रह जाएगा तो फिर आ नहीं पाएंगे। जब फिर 1 बजे के बाद जब कन्फर्म हुआ उसके बाद वहाँ से चलने का प्लान बनाया, तो मेट्रो से आने में जो काफ़ी लेट हो गया, तो मुझे लगा कि ये छूट जाएगा मेट्रो से भी, लेकिन नहीं, फिर जो जल्दी पहुँच गए और टाइम से पहले आ गए हैं और अब टाइम भी हो गया यहाँ से खुलने का। पे यहाँ से डिपार्चर हुई है और इसको पटना पहुँचने का जो टाइम है सुबह 6:40, यानी कि इसका कुल जर्नी है 1000 किलोमीटर और टाइमिंग है इसका 12:10।
पानी बोतल है भैया, एक पानी बोतल दीजिएगा। सुनिए एक पानी बोतल। कानपुर सेंट्रल है जो टाइम से 20 मिनट पहले जो यहाँ पहुँच गया है। इसका टाइम था यहाँ रात 10:36 पे, लेकिन टाइम से पहले 20 मिनट पहले पहुँच गया। ये 10:16 पर ही ये पहुँच गया है। पानी एक बोतल है वो ले लिए और खाना खा लिए थे और बस पानी ख़त्म हो गया था। जब पानी लेने के लिए जब बाहर निकले थे, एक दोस्त है चौहान जी, ये पटना का ही है। मैं भी ये बोतल लेने के लिए आया था यहाँ पे। भाई को मैंने देखा ब्लॉग बना रहे थे, तो मैं इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप ब्लॉग शूट करते हो। ये भी मेरे दोस्त है, हमें पटना से ही है। अब इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को मतलब बेल आइकन घंटी कर दबाओ। थोड़ा सा अब टाइम भी हो गया है काफ़ी यहाँ कानपुर में, और ट्रेन है जो खुलने वाली है। तो चलते हैं अपने सीट पे, और अब जो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है तो फिर से पटना जंक्शन भी है जो 30 मिनट बिफोर पहुँच गया है, और सोए हुए थे तब तक तो पटना जंक्शन पहुँच गया, और देखे तो मेरा पूरा सीट खाली है। सब है जो पटना जंक्शन ही उतर गए थे, पूरा इधर भी खाली और इधर भी। एक दो सवारी और है जो राजेंद्र नगर से उतरेंगे, और अब यहाँ से कितने देर में निकलता है देखते हैं। अगर जल्दी निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है यहाँ पे निकलने का 6:50 या 55 में, और ये तो जब 30 मिनट बिफोर आया था तो समझ लीजिए 6:05 में कम से कम आ गया था। जो भी इसका टाइमिंग है 6:40, तो 30-35 मिनट बिफोर है। अपना जंक्शन से है जो ट्रेन खुल गई है, तो ये मेरा लगेज, इसको उधर रख लेते हैं। दो यार चलते हैं गेट के पास, करने में आसानी रहेगा। ओह मेरा बोतल छूट गया। यहाँ मौसम बढ़िया है, बादल है, बारिश होने की संभावना है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। संपूर्ण क्रांति। चलो भाई, तो राजेंद्र नगर है जो सही टाइम पर आ गए हैं, और
यहाँ चलेंगे एक दोस्त के रूम पे। ओ यार ये तो सिटी बंद है, नीचे से निकलना पड़ेगा। और संपूर्ण क्रांति जो ट्रेन है ये गरीबों का है, ये तेज एक्सप्रेस है। मतलब स्पीड गजब का स्पीड था, 130-135 इसका स्पीड चल रहा था रात में। और स्पीड चलने का और कारण है इसके, मतलब इससे आगे था पांच राजधानी, मतलब पांच राजधानी के बाद ये चल रहे थे। तो स्पीड तो बनता ही है कि सबको साथ है और सबको सेम स्टॉपेज, और एक घंटा के पांच राजधानी है जो एक घंटे के मतलब कि अंतराल में है, तो स्पीड होगा ही। तो इस वजह से संपूर्ण क्रांति की स्पीड बढ़ाया गया है, और सारे जो जितने भी राजधानी हैं उसका भी स्पीड है जो बढ़ाया गया है। तो टाइम कम लगता ही, ऐसे तेज का लगता है 11 घंटा कुछ, मतलब 12 घंटा से कम, इसको लगता है 12 घंटा 10 मिनट या ऐसे कुछ करके पटनाने। लेकिन राजेंद्र नगर आने में इसको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। ठीक है, ट्रैक पार करना होगा, ट्रैक पार करके चलेंगे उधर, उधर से ऑटो लेकर दिनकर गोलंबर। जो नाला रोड बोलते हैं वही है ना, दिनकर गोलंबर नाला रोड शायद। फिर मिलते हैं आपको जल्द ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।